नौबस्ता के मोरंग मंडी चौराहे का एक मामला सामने आया, जहां व्यापारी नेता और अभिभावकों ने फूंका सीएम योगी का पुतला। जी हां, आपको बता दें, पुलिस ने व्यापारी नेता समेत आधा दर्जन साथियों को हिरासत में ले लिया है। व्यापारियों और अभिभावकों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। चौपट व्यापार और फीस माफी न होने से नाराज होकर फूंका सीएम योगी का पुतला। नमस्कार, मैं जितेंद्र जायसवाल, उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल कानपुर महानगर अध्यक्ष। आज हम लोगों ने लगातार पिछले 8 महीनों से योगी और मोदी जी से गरीब परिवार, गरीब अभिभावकों की तरफ से मांग रख रहे थे कि हम लोगों की फीस माफ करी जाए। आपका जो आदेश रहा, हम व्यापारियों और हम अभिभावकों ने हमेशा माना, मगर मोदी जी और योगी जी, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप लोगों ने हम व्यापारियों और अभिभावकों की कोई बात भी नहीं सुनी। लगातार पिछले 6-7 महीनों से योगी जी से मिलने का समय मांगा जा रहा है, अभिभावकों का नहीं दिया गया। अपनी बात आपसे कही गई ज्ञापन के माध्यमों में से, और आपने कभी कोई सुनवाई नहीं, कभी कोई फीस माफी का काम नहीं किया। आज मजबूरन हम सबको आपने मजबूर कर दिया, अभिभावकों को और व्यापारियों को, कि आपका पुतला फूंक निकली। आज हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया, पुतला फूंक करके आपको इस बात का जगाने का काम किया कि अगर आप अब भी नहीं चेतते और अभिभावक और व्यापारियों को मदद नहीं पहुँचाते, राहत नहीं करते, और गरीब परिवारों की बच्चियों के परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन परिवारों की फीस माफ नहीं करते आदि, तो ये अभी एक छोटा सांकेतिक पुतला दहन किया। अगली बार इससे बड़ा प्रदर्शन होगा, ये मैं आपको चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूँ। जय हिंद, जय व्यापारी, जय समाजवाद।